इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम अपनी 1.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किस बेस पे हमसे पूछे गए हैं उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट लेट मी टेल यू फ्यू पॉइंट्स। हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो आप प्रीवियस ग्रेड 8 में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, राइट। नाउ हमारा फोकस किस पे है, इरेशनल नंबर पे, ठीक है। सो आई हैव रिटन फ्यू टर्म्स अबाउट द इरेशनल नंबर व्हिच यू मस्ट लर्न, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए सारी बातें क्या है। देखिए इरेशनल नंबर पॉइंट नंबर 1, ये तो हम सबको पता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p q शुड बी इंटीजर्स। नेक्स्ट थिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप का है, ठीक है, वो ऑलवेज कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, ऑल नंबर्स दियर डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्सिव, दीज आर इरेशनल नंबर। एग्जांपल में आप देख सकते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को जब हम सॉल्व करते हैं, लेट्स से अंडर रूट 2, तो हमें मिलता है 1.414 डैश 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 डैश, मतलब ऑल टाइम आपको कुछ डिफरेंट डिजिट मिलती है। तो ये किस नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही पाई, पाई कितना होता है, 22/7, दैट इज 3.14 डैश 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 का मतलब है दे विल नेवर एंड, राइट। सो इसका ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, इरेशनल। थर्ड थिंग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो क्या देंगे आपको, इरेशनल नंबर्स, और जितने भी सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो क्या देंगे, रैशनल। जैसे मैंने एग्जांपल सीखे अंडर रूट 2, क्या ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यस, तो क्या देगा, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 इज आल्सो अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इट विल बी इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 अगेन इरेशनल नंबर। नाउ दिस टाइम अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2, इट मींस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। इट मीन्स दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर बट इट्स अ रैशनल नंबर, आर एन मीन्स रैशनल नंबर, राइट। वन मोर थिंग आई फॉरगेट टू राइट, यही में देखिए बेटा, जैसे अभी हमने यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखे है ना, सेम वे में फिफ्थ पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, नॉन परफेक्ट क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 8, अंडर रूट 8, देखते हैं अंडर रूट 8 कैसा नंबर है। देखिए अंडर रूट 8, अभी मैंने इसको अंडर रूट बोला है, ठीक है, मतलब इसकी रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, इन दिस केस दिस इज इरेशनल। अगर मैं आपसे कहती क्यूब रूट 8, ठीक है, अब मैंने क्या कहा, क्यूब रूट 8, तो देखिए क्यूब रूट 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2, ये तो मतलब होता है ना इस चीज का कि 8/1/3 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो बताइए 2 कैसा नंबर है, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और देखिए मैंने आपको बोला 6, क्यूब रूट ऑफ 6, अब क्यूब रूट ऑफ 6 क्या परफेक्ट क्यूब रूट है, नहीं, तो ये कैसा नंबर हमें देगा, इरेशनल नंबर, क्लियर हुई। तो दिस इज ट्रू फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड नॉन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। देखिए क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में, बेसिकली अगर दो इरेशनल नंबर को सम करें तो जरूरी नहीं है कि आंसर इरेशनल नंबर ही आए, ठीक है। दो रैशनल नंबर को अगर माइनस करें, डिफरेंस मींस माइनस करें, तो जरूरी नहीं है आंसर इरेशनल नंबर आए। ऐसे ही अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी कंपलसरी नहीं है, हो सकता है रैशनल भी आ जाए, हो सकता है इरेशनल भी आ जाए। सेम इज ट्रू फॉर क्वेशेंट एज वेल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको यहां बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, मैंने दोनों को ऐड किया, बताइए रिजल्ट क्या आएगा,
टू रूट टू कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, ठीक है। अगेन मैंने अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू किया, अब मैंने क्या किया इस टाइम? डिफरेंस, तो आंसर क्या आया? जीरो। अब आप देखिए जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। फिर से मैंने क्या किया, अब इनको मल्टीप्लाई, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, दिस टाइम यू विल गेट टू, ठीक है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर, राइट। अब मैंने आपको बोला टू रूट टू मल्टीप्लाई बाय टू दिस टाइम, ठीक है। देखिए क्या है, अभी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट, इसको भी हम टू ले लेते हैं, सो दिस विल बी टू अंडर रूट टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे टू और एक टू पहले से है, सो यू विल गेट फोर, दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो दिस इज नॉट श्योर कि यू विल गेट रैशनल और इरेशनल बाय डूइंग ऑल दिस ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। टू मोर पॉइंट्स आर रिमेनिंग, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, सेवन आई विल राइट लेटर ऑन, ठीक है। ध्यान से समझना मेरे इस पॉइंट को, क्या कहता है ये पॉइंट? लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन? डिनोमिनेटर q का, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव, मतलब ये पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट कहता है, मान लीजिए आपको कोई नंबर गिवन है 3/4, ठीक है, 3/4, और आपसे पूछा गया बताइए ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन रिकरिंग। तो अगर आपसे इसे पूछता है तो आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई डिवीजन करके तो हम बता ही सकते हैं इजिली कि टर्मिनेट होगा या नहीं, ठीक है। लेट्स डू विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, कैसे करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट? क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या 3/4 में अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो क्या इस फॉर्म में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आएगा क्यू इज प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो लेट्स चेक इट, और मैं एक एग्जांपल यहां पे और लिख देती हूँ। एग्जांपल, दिस इज, आई विल राइट 3/ आई कैन राइट इट एज 10, 3/10, ठीक है। नाउ लेट्स सी 3/4, 3/4 को क्या मैं 2/2 लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली यस, राइट। नाउ ये फॉर्म तो मेरे पास बन गई 2/n, बट क्या 5/m की फॉर्म अभी बन रही है? नहीं, तो मैं अगेन इसको ऐसे लिख दूं 2/2 × 5/0, बोलो 5/0 कितना देगा? 1, तो m 0 तो हो ही सकता है भाई, क्या कह रहा है? n should not be non-negative number, but 0 तो हो ही सकता है, so we have written m power 0, तो बताओ ये इस prime factorization में ये form बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है? q is not in the form of, बन रही है तो हमें देखना ही नहीं है, अगर नहीं बन रही तो उसका decimal expansion कैसा होगा? non-terminating and रेकरिंग, और अगर बन गई तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग नेचर, ठीक है, टर्मिनेटिंग नेचर। फिर से समझिए बेटा ध्यान से, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की ये फॉर्म आ जाती है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अगर ये फॉर्म नहीं आती है तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है। तो ये कैसा है बताइए? टर्मिनेटिंग। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए 3/4 को विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। सो पॉइंट लगाओगे 0, 4, 7 जा 28, माइनस करोगे 2, अगेन 0 लगाओगे 4, 5 जा 20, तो यू कैन चेक दिस इज गोइंग टू बी टर्मिनेट, रिमाइंडर 0 आ गया है, दिस इज टर्मिनेटिंग। तो हमने क्या बताया था कि अगर ये फॉर्म बन जाती है तो टर्मिनेटिंग नेचर होगा, नहीं बनती तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। चलो इस एग्जांपल की बात करते हैं, 3/10, क्या मैं इसको 3/2×5 लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली यस, देखिए दोनों की पावर क्या है? 1 and 1, अब ये भी इसी फॉर्म में बन पा रहा है, मतलब इस फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी कैसा होगा आपका? टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैंने कहा आपसे सेवन अपॉन एट, ठीक है, सेवन अपॉन एट या
सेवन अपॉन नाइन। अब नॉन फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म ले लेते हैं, सेवन अपॉन नाइन। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिखूंगी, अगर मैं नाइन को प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूं तो मुझे कितने मिलेंगे, थ्री क्रॉस थ्री। तो मैं इसको कैसे लिख पाई, सेवन अपॉन थ्री पावर टू। क्या ये फॉर्म आ रही है, टू पावर एन क्रॉस फाइव पावर एम, मीन्स ये फॉर्म इसमें नहीं आ रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब आप इसको चेक कीजिए किसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है। तो दिस इज सेवन अपॉन नाइन, डू लॉन्ग डिविजन, पॉइंट सिक्सटी थ्री, सेवन विल बी रिमाइंडर। अगेन जीरो आएगा, देखो वही नंबर आ गया ना, अगेन क्या आएगा, सेवन सेवन सेवन। क्या रिमाइंडर कभी स्टॉप हो रहा है, नो, हमें ऑलवेज रिमाइंडर कितना मिल रहा है, सेवन 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 सेवन, और क्वेश्चन पे कितना आ रहा है, पॉइंट सेवन सेवन सेवन। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जीरो पॉइंट सेवन का बार, पॉइंट के बाद सेवन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सेवन पे बार का मतलब ही वही है कि सेवन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कैसा नेचर है, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें पॉइंट के बाद की डिजिट रिपीट हो रही है, तो किस नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक, आप जो सेवन पॉइंट में आपको बता रही थी मैंने नहीं लिखा, वो यही है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू इज, इस टाइम आप नॉट को हटा देंगे, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ टू पावर एन फाइव क्रॉस एम, एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन एक्स एज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग नेचर, बस इतना सा चेंज आएगा। चलिए मैं लिख देती हूँ, इन सबको इरेज करते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेवन पॉइंट है विल जॉट डाउन, देखिए क्या लिखेंगे आप सेवन पॉइंट में, पॉइंट नंबर सेवन, और इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल हम इसमें यहां लिख देती हूँ, सेवन अपॉन नाइन। ठीक है, नाउ लेट एक्स P by Q be a rational number and the prime factorization of Q. Q now this time is in the form of 2 power n cross 5 power m, where nm are non-negative integers, then x has a decimal expansion. X has a decimal expansion which terminates. ठीक है, तो दिस इज योर लास्ट पॉइंट। लास्ट विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर। हमने रेशनल नंबर तो पढ़ ही लिया कि उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस टाइम इट्स टाइम टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर एंड अंडर रूट फाइव। Although under root 4 is not a irrational, irrational number. ये कौन सा number है? Under root 4, क्योंकि perfect square है ना, तो ये आपका कैसा है? Rational है, तो आप ध्यान रखिएगा under root 2, under root 3 और under root 5 को हम आपको represent करना सिखाएंगे। Under root 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मुझे under root 5 को represent करना है तो मुझे under root 4 को represent करना आना चाहिए, मतलब मुझे 2 को represent करना आना चाहिए। ठीक है, तो let's start. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, टू रिप्रेजेंट एन नंबर वी मस्ट नो एन माइनस वन। अगर हम एन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या अंडर रूट एन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें अंडर रूट एन माइनस वन इरेशनल नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अंडर रूट टू को मुझे रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट टू को, तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, अंडर रूट टू माइनस वन दैट इज अंडर रूट वन मस्ट बी नोन। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप नंबर लाइन पे प्लॉटिंग नहीं कर सकते। राइट, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अंडर रूट वन का मतलब कितना है, अगेन वन। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ये बन गई हमारी नंबर लाइन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, टू, थ्री, डैश डैश डैश। ठीक है, नाउ सबसे पहले मुझे वन पता होना चाहिए, बताओ नंबर लाइन पे वन कहाँ है, इस वाले पॉइंट पे, ये हमारा वन है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वन। अब हमें क्या करना है बेटा, जिस पॉइंट पे वन है, इस पे वन है ना,
इससे हमें यूनिट डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब इस पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। जब 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि हम स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे, माना आपका यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई 1, राइट। अब देखिए, अब जो हमें यहां यूज करना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ओरिजिन को और इस पॉइंट को, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है? तो दिस इज 90 डिग्री क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था। लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस जो परपेंडिकुलर के अपोजिट होती है, ये क्या आपकी हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज बेस, और ये क्या है आपका ये वाला लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, राइट। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दैट, व्हाट वी विल राइट इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी यूजिंग Using Pythagoras theorem, ठीक है, Pythagoras theorem। देखिए hypotenuse क्या है यहाँ पे O B, O B square will be equal to base square that is O A plus perpendicular square that is A B, right? अब आपके पास देखिए O A की भी value है 1 और A B भी कितना है 1, put the value you get the length of O B जो हमें under root 2 देगी। Let's see OB square is equal to 1 square plus 1 square, अब 1 का square तो 1 ही होगा और वो भी कितना होगा 1, तो बताइए 1 plus 1 कितना आया 2, तो OB कितना आ गया, OB square is equal to 2, so OB कितना आएगा, दोनों साथ under root कर दीजिए, तो you will get OB is equal to under root 2। तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा कि ये जो length है ये वाली ये कितनी आई है under root, बट क्या ये नंबर लाइन के ऊपर है? नहीं, मुझे क्या करना है इसको नंबर लाइन के ऊपर लेके आना है, क्योंकि मैं यही तो पढ़ रही हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए इसका तरीका क्या है, हम इस अंडर रूट 2 ओबी लेंथ को इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे लाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कंपस में, ठीक है, कंपस में ओ बी रेडियस फिल करेंगे, ठीक है, कंपस लेंगे उसमें स्केल, सॉरी कंपास में नीडल यहां रखेंगे, यहां तक का रेडियस फिल कर लेंगे ओबी तक का, और अब वापस ओ को सेंटर मानते हुए इस नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, ओबी को रेडियस लेते हुए कंपास की हेल्प से ओ को सेंटर मानते हुए हम नंबर लाइन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, इसको ए लिख देते हैं, ठीक है। सो सपोज यहां ये आर्क बना ये वाला, ठीक है, तो जहां ये इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमें क्या देगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी कंप्लीट ये आपकी क्या हो जाएगी अंडर रूट 2, इज दैट क्लियर। देखिए अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई ना कि अंडर रूट 2 बनाने के लिए मुझे पहले यूनिट डिस्टेंस पता होना चाहिए था, राइट। नाउ अगेन इफ यू हैव अंडर रूट 2, देखिए अब मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ, मेरे पास अंडर रूट 2 मिल चुका है, दिस वन, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास कितना है, एरो भी हटा देते हैं और इसमें ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना मिला था अंडर रूट 2। अब मुझे अंडर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सी अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अब अंडर रूट 3 के लिए क्या पता होना चाहिए, अंडर रूट 3 - 1 दैट इज अंडर रूट 2 मस्ट बी नॉन, राइट। अगेन ये ओ आपका ओरिजिन, दिस इज 1, दिस अंडर रूट 2, 2 3 अप टू 100, मुझे क्या पता होना चाहिए अंडर रूट 2। अगेन मैं क्या करूंगी बेटा इस अंडर रूट 2 से, ठीक है, अभी भी मुझे यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डालना है, बट इस पहले मैंने 1 से डाला था क्योंकि मुझे अंडर रूट 2 प्लॉट करना था तो 1 पता होना चाहिए था, अब मुझे अंडर रूट 2 3 बनाना है तो अंडर रूट 2 पता होना चाहिए, तो मैं 2 पे पहुंच चुकी हूं, अब 2 से हम यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डालेंगे। देखो इन दिस वे ये डाल दिया मैंने यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर, और फाइनली इन दोनों को मिला देंगे, मिलाना हमेशा ओरिजिन से। तो देखिए
ये लेंथ मेरे पास आ गई कंप्लीट, दिस लेंथ इज अंडर रूट टू, दिस वन इज वन, ठीक है, एंड ओ सपोज मैंने इसको फिर से कह दिया बी एंड दिस इज ए, ओ बी अगर मुझे निकालना है तो फिर से मैं पाइथागोरस निकाल सकती हूँ, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, नाउ दिस टाइम ओ ए कितना बन गया मेरा अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, ठीक है। अब जब आप अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे सो यू विल गेट टू, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो टू प्लस वन सो यू विल गेट थ्री, सो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो बताइए ओ बी इज इक्वल टू ये वाली लेंथ अंडर रूट थ्री आ गई, अगेन मुझे क्या करना है ओ से बी तक का रेडियस कंपस में फिल करना है और नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क लगाना है, ठीक है। नाउ दिस टाइम दिस विल इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट दिस पॉइंट, लेट्स सी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा वही क्या देगा मुझे अंडर रूट थ्री, ठीक है। सेम वे में अगर मुझे फोर, अंडर रूट फोर तो आप प्लॉट कर ही सकते हैं, दिस इज टू विच इज अ रैशनल नंबर, तो टू तो आप नंबर लाइन पे इजिली बना सकते हैं, दिस इज जीरो दिस इज वन एंड दिस इज टू। अब अगर मुझे अंडर रूट फाइव बनाना है तो मुझे टू नोन होना चाहिए, ये मैं आपको आपके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी है, ठीक है। नाउ दिस इज ओवर, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।